आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 25 जून 2024, दिन है मंगलवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं कि आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जबलपुर जेल के भीतर जूते और मोजे में भरकर ले जा रहे गांजा जेल प्रहरियों को पकड़ा। 14 जून की शाम 6 से रात 10 बजे की ड्यूटी पर प्रहरी मुकेश फुंडे और सुशील खेमरिया की ड्यूटी थी। जेल गेट में दोनों पहुंचे, गेट पर जांच की गई तो मुकेश के पास गांजा समेत तंबाकू की 7 पुड़िया, 2 पैकेट सिगरेट और गुटखा रखा मिला। वहीं सुशील के पास से 2 पैकेट तंबाकू मिली। ये सामान दोनों प्रहरी बंदियों के लिए ले जा रहे थे। टूटी परंपरा, महाकाल मंदिर के गर्भगृह के पट खुलने से पहले भक्तों को बैठाया पुजारी, हुए नाराज। महाकाल मंदिर में व्यवस्थाएं किस हद तक बेपटरी हो चुकी हैं, इसका एक और उदाहरण रविवार तड़के भस्म आरती के दौरान सामने आया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के पट खुलने से पहले ही दर्शनार्थियों को मंदिर के गणेश मंडपम में बैठा दिया गया, इससे मंदिर के पुजारी नाराज हो गए। डबरा में सीमांकन करने पहुंचे 2 दबंगों ने आरआई और पटवारी को बंधक बनाकर पीटा। टीआई के साथ मारपीट की घटना होने के बाद घटनास्थल पर तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी पितरवार थाने पहुंचे। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टीआई को शरीर व चेहरे पर चोट लगी। वहीं टीआई और पटवारी को ग्रामीणों ने कुछ देर बंधक बनाकर भी रखा। छिंदवाड़ा में भाजपा का प्रचार करने पर पति ने दिया 3 तलाक। ससुराल पक्ष पर केस दर्ज। मुस्लिम महिला के भाजपा में शामिल होने और प्रचार करने पर घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया। महिला का आरोप है कि भाजपा से जुड़ने की जानकारी लगने पर मारपीट करने के साथ पति ने 3 तलाक कहकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। पुलिस ने महिला के परिजनों पर मामला दर्ज किया है। नाबालिग बेटी को पिता को लिवर देने के लिए करना होगा इंतजार। बेटमा की रहने वाली नाबालिग बेटी अपने पिता को जान बचाने के लिए उन्हें लिवर डोनेट कर सकती है या नहीं, इस पर अब 27 जून को निर्णय हो सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में ये प्रकरण विचाराधीन है। शिवनारायण वाथम 6 साल से लिवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। पुत्री प्रीति उन्हें लिवर देना चाहती है। शिवराज के इस्तीफे के बाद बुधनी पर कांग्रेस की नजर। उपचुनाव को लेकर जयवर्धन सिंह ने बनाई रणनीति। बुधनी सीहोर में जल्द उपचुनाव करवाए जा सकते हैं, ऐसे में कांग्रेस सक्रिय हो गई है और चुनावों की तैयारी में जुट गई है। बुधनी विधानसभा प्रभारी जयवर्धन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। नर्सिंग परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे 66,000 विद्यार्थियों के पक्ष में दिग्विजय। सीएम को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्सिंग परीक्षा का परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के पक्ष में रिजल्ट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। अमरवाड़ा प्रत्याशी की पत्नी ने किया करोड़ों का घोटाला, फायदा उठाकर भाजपा में कराया शामिल। कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमरवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी की पत्नी ने करोड़ों का घोटाला किया है, जिसका फायदा उठाकर कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करवा लिया। एमपीएल फाइनल मुकाबले में जमकर हुई फत्तरबाजी, एंट्री नहीं मिलने से भड़के लोग, पुलिसकर्मी सहित कई घायल। जिले के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में रात एमपीएल 2024 के फाइनल मैच के दौरान हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलने पर पथराव कर दिया। राजस्थान की महिला ने लगाया धीरेन्द्र शास्त्री के चचेर भाई पर धोखाधड़ी करने का आरोप। छतरपुर जिले की गढ़ा गांव में प्लाट बेचने के मामले में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चचेर भाई पर राजस्थान की एक महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि 3,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से उसे धीरेन्द्र शास्त्री के चचेर भाई दीपेंद्र गर्ग ने उसे प्लाट दिलवाया था। प्लाट की रजिस्ट्री तो करा दी गई लेकिन प्लाट का पता नहीं है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। एनटीए को लेकर केंद्र सरकार करेगी चर्चा। नीट यूजीसी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने उसमें पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्य समिति बैठक करेगी। इसमें एनटीए के निष्पक्ष संचालन, कर्मियों की बेहतर जिम्मेदारी पर चर्चा होगी। कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें सुझाए गए सुधारों को अगली परीक्षाओं के दौरान लागू किया जाएगा। उज्जैन सिंहस्थ 2028 में 360 एमवी बिजली खर्च होने का अनुमान। 2016 से 38% ज्यादा महाकुंभ सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन मेले में 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। विद्युत वितरण कंपनी ने 888 करोड़ रुपए की कार्य योजना शासन को भेजी है। वहीं 2016 में लगे मेले में खर्च 220 एमवी बिजली की तुलना में 38% अधिक है। मुख्यमंत्री कार्यालय से रखी जाएगी संभागों में चल रहे कामों पर नजर। सीएम मोहन ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियों में। मुख्यमंत्री को सभी फाइलें अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी अधिकारियों को अलग अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का दायित्व भी दिया गया है। वहीं संजय कुमार शुक्ल, राघवेंद्र कुमार सिंह, भरत यादव जैसे अधिकारियों को जिम्मेदारी। भोजशाला की खुदाई में और मिले 11 पुरावशेष, सभी का आकार 4 से 5 फीट। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा एवं याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि उत्तरी भाग में खुदाई के दौरान 3 अवशेष मिले हैं। 90 दिनों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। अंदर के भाग में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है, खासकर नंबरिंग और अन्य कार्य किया जा रहा है। अवशेषों की अब रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। बोर्ड परीक्षा में 40% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाएंगे टिप्स। बैठक में यह भी तय किया जा सकता है कि 30% से कम परिणाम वाले प्राचार्य व विषय शिक्षकों पर भी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा इन स्कूलों का परिणाम सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।
एनडी के लिए आसान नहीं होगा स्पीकर का चुनाव। इंडिया गठबंधन से मिलेगी कड़ी टक्कर। शुरू हुए संसद सत्र में विपक्ष बेहद आक्रामक नजर आए। वहीं ऐसे में 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर सबकी नजर है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि गेंद एनडीए के पाले में है। एनडीए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आम सहमति नहीं बनाता है तो विपक्ष चुनाव लड़ेगा। अब 26 जून को देखना होगा कि स्पीकर किसका बनता है। 300 यात्री बुधवार को अमरनाथ यात्रा के लिए होंगे रवाना। अमरनाथ यात्रा के दौरान होने वाली प्राकृतिक आपदा आतंकवाद उग्रवाद से अमरनाथ यात्रियों की रक्षा करना। इस मौके पर योगेश श्रीवास्तव, विनय सिंह, सचिन आर्य, ललन सोनपुरे सहित बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रार्थना की। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी पूजा अर्चनाएं करके शिवजी से अमरनाथ यात्रा सफल रहने के लिए कामना की जा रही है। सोना 72,000 रुपए की नीचे है। चांदी की भी चमक पड़ी फीकी। सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। अगर आप सोने खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपका सोना 1,133 रुपए सस्ता मिलने वाला है। वही सोने की कीमत 72,000 रुपए की नीचे आ गई। चांदी की कीमत में आज 1,948 रुपए की कमी आई है। मॉनसून सत्र में विधायक बताएंगे अपने क्षेत्र के 5 साल की कार्य योजना। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसमें भाजपा विधायकों को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ वे अपने क्षेत्र में अगले 5 साल में होने वाले विकास के कार्यों की जानकारी देंगे। इस पर चर्चा भी होगी और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो ITMS से बन जाएगा चालान। 5,000 रुपए तक भरना पड़ सकता है फाइन। मध्य प्रदेश में प्रमुख 7 शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके जरिए यातायात पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ उन वाहनों का चालान भी बनाएगी जिनका बीमा खत्म हो गया है। शहरों में लगे स्मार्ट कैमरों के जरिए वाहनों पर निगाह रखी जाएगी। प्रदेश के 40% सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई फ्री किताबें। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से इस साल से विद्यार्थियों को किताबें मिली या नहीं इसकी मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग की जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ट्रैकिंग के माध्यम से प्रदान करने और वितरण की मॉनिटरिंग राज्य, जिला व विकासखंड स्तर पर की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। जमानत पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 26 जून को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का अंतिम आदेश अभी भी नहीं आया है, उसे कल सुनाए जाने की संभावना है। मामले को बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव की घोषणा। मुख्यमंत्री बोले, भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला है रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट हमने संस्कारधानी में की थी। हमारी रानी के प्रति सम्मान का प्रतीक था। रानी ने 52 युद्ध लड़े। समाज के सामने कई बातें सामने आना बाकी है। वही स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर हर जरूरी कदम उठाएंगे। 5 अक्टूबर तक रानी की जन्म शताब्दी का समापन होगा। लोकसभा में चल रहा शपथ ग्रहण। विपक्ष ने लगाए नीट नीट शेम शेम के नारे। केंद्र की गठबंधन वाली मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सत्र शुरू हो गया। संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होगी। अग्निवीर भर्ती रैली धार में 26 जून से 4 जुलाई तक। इंदौर, उज्जैन संभाग के 15 जिले के युवा लेंगे भाग। मध्य प्रदेश के धार में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली 26 जून से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। रैली के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस रैली में 7,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। इसमें युवाओं का फिजिकल व मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।